तो यहाँ मैंने एक कप उड़द लिया है और इनको मैंने पूरी रात भिगोकर अच्छे से साफ धो लिया है। आप अपने हिसाब से उड़द कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून क्रश की हुई सौंफ। इसको मैंने ग्राइंडर में डालकर हल्का सा दरदरा पीस लिया है। इसको डालने से उड़द में एक सौंधा सा टेस्ट आएगा जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का लंबाई में कटा हुआ, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम यहाँ पर प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, गैस ऑन कर लेंगे और इसको हम हाई फ्लेम पर 1 विसल आने तक और मीडियम फ्लेम पर इसको 3 विसल आने तक पकाएंगे। या आप इसको तब तक पकाएं जब तक कि ये अच्छे से गलकर सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम उड़द गोश्त के लिए गोश्त का सालन तैयार करेंगे। इसमें अब हम ऐड कर देंगे तेल। तो इसको मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी क्योंकि तेल में बहुत अच्छा बनता है। 2 स्पून हम इसमें तेल ऐड करेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई। और प्याज के साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ साबुत खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं 2 तेजपात, 6 से 7 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 स्टिक दालचीनी की। ये साबुत मसाले हम इसमें डाल देंगे और इनको भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे और प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम यहाँ पर हाई कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज होने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे गोश्त। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम रेड मीट लिया है और इसको मैंने साफ धो लिया है। इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, यह नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 हरी मिर्च मोटी मोटी कटी हुई, आप चाहें तो उसको बारीक काट के भी डाल सकते हैं, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लंबाई में कटा हुआ, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी। यह पानी आप उतना डाल सकते हैं जितने में गोश्त आसानी से गल जाए। पानी डालने के बाद इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम यहाँ पर प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और इसको हम हाई फ्लेम पर 4 विसल आने तक पकाएंगे। अब हम गोश्त को चेक कर लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त यहाँ अच्छे से गल चुका है। अब हम एक बार फिर से गैस ऑन कर लेंगे और गोश्त की हम यहाँ अच्छे से भुनाई कर लेंगे। गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए उड़द और उड़द को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी आप इसमें उतना ऐड कर सकते हैं जितना आपको पतला या गाढ़ा चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। तो यहाँ मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करूँगी और पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च मोटी कटी हुई। बाद में हरी मिर्च डालने से इसमें एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें एक क्रीमी टेक्सचर आ जाए। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोलकर चेक कर लेंगे। इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए उड़द में बहुत अच्छा एक क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। इसको हम इतना ही पकाएंगे क्योंकि ये ठंडे होने के बाद थोड़े से गाढ़े हो जाते हैं। इसको हम साइड पे रखेंगे और अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ हम एक तड़का पैन ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच देसी घी। आप चाहें तो इसको देसी घी में फ्राई कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको किसी भी कुकिंग ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में फ्राई करने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। फ्लेम यहाँ पर हाई कर लेंगे और घी को हम हल्का सा मेल्ट होने देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी प्याज बारीक कटी हुई और इसको हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और फ्राई की हुई प्याज को हम इसमें ऐड कर देंगे।
और इसको हम कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि प्याज का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो लीजिए, उड़द गोश्त बनकर तैयार है।